अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम तंजील वज़ा है और आज की वीडियो का टॉपिक है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग किसे कहते हैं और क्यों की जाती है? देखिए, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉय इंगेजमेंट। एम्प्लॉय इंगेजमेंट में आप रिट्रीट्स पे लेके जाते हैं, आप पिकनिक कराते हैं, आप क्रिकेट मैच कराते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इन सिंपल वर्ड, इन सादा अल्फाज, इज़ योर रेपुटेशन एज अ एम्प्लॉयर इन द इंटायर मार्केट। इसकी मिसाल हम अपने घरों से समझते हैं। देखें, हमने अपने घरों की बात की जाए तो जिस घर में एम्प्लॉयज़ या जो लोग काम करते हैं, मुलाज़मीन, वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट बेसिस पे चेंज हो रहे हो, तो उसका उस मोहल्ले में इमेज बड़ा ख़राब होता है। और जो दूसरे नए मुलाज़मीन हैं, जब भी वो उस घर में काम करने के पहले आपस में मोहल्ले में पता करते हैं, कोशिश करते हैं पता करने की कि इस घर में आया काम किया जाए या ना किया जाए। इसी चीज़ को आप ले जाइए कंपनी लेवल पे। कंपनी लेवल पे भी ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स और क्वालिटी टैलेंट जो है वो अट्रैक्ट होने से पहले पूरी रिसर्च करता है कि एम्प्लॉयर का क्या रेपुटेशन है, किस तरह के मैनेजर्स है, क्या ग्रोथ इनकी स्ट्रेटजी है, किस तरह से ये लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या इधर जाना सेफ रहेगा उसके करियर पर्सपेक्टिव से या नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, उसने ACCA कंप्लीट किया है, उसने MBA कंप्लीट किया है IBA से, तो वो क्वालिटी टैलेंट है क्योंकि उसका स्किल सेट इतना ज़बरदस्त है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए गया, उसे वहीं पर पहले इंटरव्यू में ही ऑफर मिल गई। उसके बाद जब वो आता है, उसने मार्केट में अपने दोस्तों से पूछता है, मुझसे पूछता है, हम सब एक मुत्तफ़िका राय देते हैं कि उस एम्प्लॉयर के बारे में हमने ये चीज़ें सुनी हैं, तो अल्टीमेटली वो जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर लेता है। बिकॉज बीइंग अ मिलेनियल, उसके लिए पैसे से ज़्यादा उसका मेंटल पीस इम्पॉर्टेंट है, पैसे से ज़्यादा उसके लिए वर्क कल्चर इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की ढेर सारी मिसालें हैं। देखिए, अगर आपने मिलेनियल को अट्रैक्ट करना है, अगर आपने क्वालिटी टैलेंट को अट्रैक्ट करना है, आज के इस दौर में आपको अपना वर्क कल्चर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी एम्प्लॉयर इमेज पे काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की कैसे जा सकती है, वो कौन से तरीक़ेकार है जिससे आप काम कर सकते हैं और किस तरह एक पूरी आप स्ट्रेटजी मैप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एपिसोड में।